वोल्ट। हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2.61। क्वेश्चन में कह रहे हैं, इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.002 नैनोमीटर, कैलकुलेट करना है द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को हमें कैलकुलेट करना है। सपोज करना है द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतना है। इज देयर एनी प्रॉब्लम डिफाइनिंग द वेल दिस वैल्यू। हमें आगे क्वेश्चन भी कह रहे हैं कि इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू। इस वैल्यू को डिफाइन करने में कोई हमें प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखी है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। हमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है और ये बताना है कि क्या हमें कोई इस वैल्यू को प्रॉब्लम हो रही है कुछ डिफाइन करने में या नहीं हो रही है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। देखिए, अनसर्टेनिटी की अगर बात हुई है वो भी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी के लिए हमें पता है कौन सा रूल हमें हमने बुक में पढ़ रखा है, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे स्मॉल पार्टिकल है, वो तेजी से मूव कर रहा है, तो मोमेंटम और पोजीशन एक साथ एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली नहीं बताए जा सकते। अगर मोमेंटम सही सही बताया जाएगा पोजीशन में अनसर्टेनिटी, और पोजीशन सही सही बताई जाएगी तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी। अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी और डेल्टा एक्स, पोजीशन में अनसर्टेनिटी और डेल्टा पी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हो, तो ये किसके इक्वल होगी? या फिर बड़ी होगी एच अपॉन 4 पाई से। ठीक है, एच क्या होता है? प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है, हम जानते हैं सभी लोग। तो यहाँ पर डेल्टा पी क्या है? डेल्टा एक्स है हमारा अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है लिख लेते हैं हम लोग। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमें डेल्टा एक्स दे रखी है, ये हमें कितनी दी है? 0.002 नैनोमीटर, 0.002 नैनोमीटर। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? कैलकुलेट करना है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी हमें अनसर्टेनिटी मोमेंटम डेल्टा पी कैलकुलेट करना है। अनसर्टेनिटी पोजीशन हमें दी 0.002 नैनोमीटर। तो हमें आगे क्या कह रहे हैं कि मोमेंटम हमें सपोज करना है आगे, तो वो चलिए हम लोग आगे बाकी बात की बात करेंगे। तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स एच अपॉन 4 पाई होता है, वैल्यू हम पुट करते हैं तो डेल्टा पी इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा एक्स हम यहाँ पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू? एच अपॉन 4 पाई, और डेल्टा पी एक्स कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, ऊपर बढ़ा लेते हैं। तो डेल्टा एक्स हमारा है 0.002 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? (10⁻⁹ मीटर। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होती है। एच क्या होता है? प्लैंक कॉन्स्टेंट वैल्यू कितनी होती है? 6.626, 10⁻³४ जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? हम लोग इसको 2 अगर कर लेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3 कदम, 10⁻³ बढ़ जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा 6.626, 10⁻³⁴, -9, और ये -3 बढ़ेगी कितना हो जाएगा? ये हमारा है 4 × 3.14, और ये हो जाएगा (2), ये हो जाएगा 10⁻½, -12 ऊपर जाएगी इसकी हो जाएगी प्लस का 12, ये क्या हमारे पास जूल इंटू सेकेंड, मीटर जाएगा मीटर इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा -34, प्लस माइनस क्या होता है? -4 में से दूर जाएंगे कितना बचेगा? 2, और 3 में से कितना बचेगा? 2, और माइनस की क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी मेरे पावर, ये क्या है? 6.626, 1 में क्या है? 4 × 3.14 × 2, ठीक है, जूल इंटू सेकेंड है, तो ये हमारा हो गया जूल इंटू सेकेंड मीटर इनवर्स। ठीक है, अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हटाएंगे
इसके नीचे यहाँ पे जीरो मान लेते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हटा लेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, ये क्या है 3 1 4 0, ये क्या है 3 3 1 3, तो 1 1 चला जाएगा, 3 1 4 0, 3 में से 0 गया 3 गया, हम 4 गया 60, 2 में से 1 गया बचा 1, पॉइंट लगा लेते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, अभी भी वैल्यू कम है, यहाँ 0 बढ़ाएंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 5 3 15, ठीक है, और 6 3 18 हो तो ज़्यादा हो तो 5 बार ले आते हैं, 5 6 20 का 0 लगा 2, 5 5 2 7, 5 3 15, 0 का 0 0 का 0, 3 में 7 दिया बचा 6, 5 6 5 1, पॉइंट लगे 0 बढ़ा ले तो कितनी बार चला जाएगा, अप्रॉक्स 5 बार चला जाएगा, 1.055, ठीक है, इनमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1.055 इंटू 10 की पावर -22 जूल इंटू सेकेंड मीटर इनवर्स अपॉन में क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट हटा लेते हैं हम लोग, नीचे कितने 0 बढ़ जाएंगे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 8 बचेगा 2, 4 6 24 बचेगा 1, 4 3 12 बचेगा 3, 4 7 28 और 4 5 20, तो ये हो जाएगा 2 6 3.75, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -22 जूल इंटू सेकेंड मीटर इनवर्स, पॉइंट को यहाँ पे ले आते हैं क्या हो जाएगा 2.6375, तो 2 कदम इधर लाएं तो ये प्लस की 2 बढ़ जाएगी पावर, 22 3 25 हो जाएगा, 10 की पावर -24, 10 की पावर 2 क्या हो जाएगी प्लस में बढ़ जाएगी, जूल इंटू सेकेंड मीटर इनवर्स 2.63 हो जाएगा हमारा, ये 7.5 है इंटू मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है 25 में 2 चलेगी, कितना हो जाएगा 10 की पावर -23 जूल इंटू सेकेंड मीटर इनवर्स, ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हमें ये क्या आई हमारी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आई हमारी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अभी मोमेंटम हमें कितना दे रखा है यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो मोमेंटम हमें जो दे रखा है वो हमें दे रखा है यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हमने निकाल लिया है, और एक्चुअल मोमेंटम हमें दे रखा है इतना, अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो एच की वैल्यू क्या होती है 6.626 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, 4 का 4 लिख लें, पाई की वैल्यू 3.14, 0 का 0.05, नैनोमीटर 10 की पावर कितना होता है -9 मीटर, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लें, ये पॉइंट हटा लें तो ऊपर कितने 0 बढ़ जाएंगे 2, ये पॉइंट हटा ऊपर कितने 0 बढ़ जाएंगे 2, ये पॉइंट हटा लें नीचे कितने 0 बढ़ जाएंगे 3, तो ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास 3 1 4, इसको अगर हम कर लें 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है, और 314 को हमने 33 13 से अभी डिवाइड करा था, तो ये कितना आया था हमारा, ये आया था हमारा 1.055, ठीक है, ये हमने भी डिवाइड करा था, कितना आया था हमारा 1.055, अपॉन में क्या है हमारे पास 2 है ये, और इनटू में क्या है ये हमारा 5 भी है, और ये यहाँ पे क्या 10 की पावर -34, ये हम लोग माइनस साइन ऊपर लेंगे किसका हो जाएगा प्लस का 9, 10 की पावर +9, और ये एक 10 है इंटू 10, ठीक है, 2 5 10 और 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीपल पावर ऐड होती है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 34 में से 9 चले जाएंगे कितना हो जाएगा 25 जूल इंटू सेकेंड मीटर इनवर्स, तो ये हमारा क्या आया है, ये हमारा है एक्चुअल मोमेंटम, और अनसर्टेनिटी मोमेंटम में कितनी है वो इतनी है हमारी, ठीक है,
तो अगर हम लोग क्या करें, अनसर्टेनिटी इसको अगर हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे लिए तो ये क्या हो जाएगा, 26 पॉइंट, इसको हम लोग अगर दो कदम यहाँ पे लिए तो क्या हो जाएगा, 26 3.75, और 10 के माइनस दो बढ़ देंगे, -25 हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड मीटर इनवर्स। देखिए अभी ये अनसर्टेनिटी क्या है, ज़्यादा है, और मोमेंटम क्या है, मोमेंटम कम और अनसर्टेनिटी ज़्यादा, मतलब जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं जो मोमेंटम हमें मिल रहा है उसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, वो फिक्स नहीं है मोमेंटम, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी कि हम मोमेंटम निकाल ही नहीं पा रहे, तो मोमेंटम यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि अनसर्टेनिटी ज़्यादा आ रही है और मोमेंटम हमारी क्या आ रही है, मोमेंटम एक्चुअल मोमेंटम क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड, यानी ये जो हमारा मोमेंटम है ये ग्रेटर है, सिंस क्या हो जाएगा, द एक्चुअल मोमेंटम इज स्मॉलर देन द अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी से एक्चुअल मोमेंटम कम है, सो द वैल्यू कैन नॉट बी, द वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, होपफुली आपको सोल्यूशन समझ में आया, समझ में आया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।